नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज हम आप भिंडी लगाने जा रहे हैं अपने खेत में। भिंडी के बीज हमने पिछली बार अपने खुद के तैयार किए थे। खुद के बीज है, ये है राम तोरी के बीज, ये भी हमने खुद के ही तैयार किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। भिंडी के बीज हमने पानी में भिगो कर रखे हैं। भिगोने का ये फ़ायदा है, इससे जल्दी बीज तैयार हो जाता है भिंडी का। तो ये भी हमारे खुद की है, तो आज हम इसे लगा कर दिखाएंगे आपको, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम गुड़ाई करेंगे जहाँ पर हमने लगाने हैं ये बीज। तो ये है हमारी जगह जहाँ पर हमने गुड़ाई की है, तब ये इससे हम गुड़ाई करेंगे। तो गुड़ाई करके हम आपको फिर से बताएंगे। तो दोस्तों, हमने गुड़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है, अब इसमें हम डालेंगे देसी मैल। तो दोस्तों, देसी मैल का ही इस्तेमाल करें, इससे पैदावार ज़्यादा होती है, तो कोशिश करिए। अब इसमें हम डालेंगे, ये तो थोड़ा है, कम है, जो इसमें और डालेंगे। तो मैल भी हमने डाल दिया, तो अब हम बीज को लेने जा रहे हैं। तो ये है हमारे खुद के बीज जो तैयार किए हमने। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अपने ही बीज तैयार करें, इससे आपका पैसा भी बचता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, पैदावार भी ज़्यादा होती है। खुद के बीज अच्छे होते हैं, तो कोशिश ज़रूर करिए कि अपने ही बीज पैदा करिए। ये भिंडी के बीज है, इसे हमें भिगो कर इसीलिए रखा था, तो जल्दी से उग जाते हैं ये। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। इसे भी हम पानी में भिगो कर रखेंगे। हम इसे सट्टा देकर लगाएंगे, तो आप एक एक बीज को भी लगा सकते हो लाइन वार, तो हम तो ऐसे ही लगाएंगे ना। हमने धनिया भी लगाया है, बेमौसमी धनिया, सब कुछ उग जाता है, ठीक है, लगाने का तरीका सही होना चाहिए। अगले ब्लॉग में हम बताएंगे, जब ये बीज तो अब इस पे हम थोड़ी थोड़ी बाही कर देंगे। उगाने के बाद जब उग जाएंगे, तो बीज हम अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों।